महाराज? मेरा ग्राम गांव पुष्कर खुर्द है, पोस्ट सुकुलपुरी है, जिला गोरखपुर है। मैं वहीं के रहने वाला हूँ। गांव का नाम मेरा रामजीत है। मैं पारिवारिक झंझट में बहुत काफी था। बहुत दिन तक तांत्रिकों के जाल में फंसा हुआ था। इतना फंसा हुआ था कि उससे निकलना मुश्किल था। 14 वर्ष तक तांत्रिकों के जाल में थे। यहाँ तक कि हम हरिद्वारीगढ़ आजमगढ़ मऊ गोरखपुर बस्ती तक के कोई भी तांत्रिक बाकी नहीं थे। और उसके बाद हम लोग कलकत्ता से भी तांत्रिक लेकर आए थे, लेकिन किसी से रिस्पांस नहीं मिला। कुछ ही क्षण के बाद गुरुजी के पिताजी से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि एक बार थोड़ा उनसे भी देख लीजिए। यानी वो कहिया के जो के हैं देखने वाले हो गए, कहिया उनको ज्ञान मिला। कहने नहीं, वो अंदर अंदर बहुत ज्ञानी है, थोड़ा बत के लिए। मैंने उनसे बात किया, बोला ठीक है, हो जाएगा, कोई बात नहीं है। उनको जाकर के हम लोग अपने घर बुलाए और उन्हीं के आने से ने सदगुरु महाराज इतनी कठिन परिश्रम की, इतना कठिन परिश्रम, अथक परिश्रम करने के बाद हमारे घर से तांत्रिकों का जाल खत्म हुआ। और तब से उन्हीं के कथन के अनुसार हम लोग उन्हीं के मार्ग पर चलते हैं। आज उनके मार्ग पर चल करके मैंने आज बहुत खुशहाल हूँ। पूरा परिवार मेरा खुशहाल है और इतना खुशहाल हूँ कि जब जो जरूरत होती है वो पर्याप्त हम लोग को पूरा करते हैं। माँ की कृपा और गुरु कृपा हमेशा बरसती रहती है। और इतना कि घर जो हमारा था एकदम जर्जर हो गया था, वो भी एक तल्ला बन गया। दूसरा तल्ला की तैयारी हो गई है, लिंटर लगना बाकी है। इसके अलावा जगह जमीन भी नहीं था, उसमें भी 25-30 डिसमिल जमीन भी खरीद लिया हूँ। यानी कि हर तरह से सदगुरु के बारी का अनुसरण करते हुए मैंने आज दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता जा रहा हूँ। और मैं यही कहूंगा, सभी से निवेदन करूंगा कि हम 14 वर्ष जिस तरह से तांत्रिकों के जाल में फंस करके अजुलाए थे और निकलने का फुर्सत नहीं मिला था, न कोई हमारा समस्या का हल हुआ, लेकिन सदगुरु जी के द्वारा जो है समस्या का हल मिला। मैं यही समझा कि सदगुरु के पास जो भी शक्तियां हैं वो बहुत बहुत ही इतनी मनो अनमोल है कि उसका कोई सीमा नहीं है। और उन्हीं का मैं तभी से मैं जानता हूं कि मैं जब यहाँ पर अपने यहाँ घर पर रह गया था, मैं जानता ही हमारे लिए भगवान है। अब तब से मैं उनका भगवान का पद देकर का उनका हमेशा बात का अनुसरण करता हूँ, उनके कहने के अनुसार मैं चलता हूँ। और तब से मैं सुखी हूँ, आज भी सुखी हूँ। और उसी के बाद से मैं यहाँ दीक्षा शिक्षा सब लिया। लेने के बाद जो है यहाँ पर हमारा नाम गुरु जी ने आचार्य अत्री के रूप में सुशोभित किए। आज मैं मातेश्वरी परिवार में आचार्य अत्री के नाम से सुशोभित हूँ। सब लोग जानते हैं कि आचार्य अत्री एक महान आत्मा का रूप हमारा धारण हो गया।